Good morning, students. Yes, join the class. Very good, all of you know the change time. It's too good to see you. Good morning, Rahul. Yes, past students, come to the class. Good morning, Anjali. Good morning, Vikyasa. Good morning, Nisha. Audio ka confirmation de do mujhe. Audio visible hai. Sorry. Audible hai aur picture sahi aa raha hai. Clear hai? Yes, ma'am. Yes, students. Audio, video. दोनों नहीं आ रहा है. अब आ गया dependent. Video तो मुझे भी नजर आ रहा है. Audio clear है ना? Confirmation दे दो audio का. Okay, Rahul. Yes, students. Fast join the class. Okay, visible and audible. Thanks for the confirmation. Only 27 students fast joined the class. Yes, Saloni. Good morning, ma'am. Good morning, Saloni. Yes. जल्दी जल्दी stand बढ़ाओ अपना. Fast join the class. आज क्लास का टाइमिंग हमारा थोड़ा चेंज है. ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए. सैटरडे वाली क्लास आपकी आज हो रही है. उसके बाद ट्यूसडे से आपका वही टाइमिंग रहेगा, डे वाइज जैसा कि है आपका टाइमिंग. ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर ही आगे प्रोसीड करते हैं. गुड मॉर्निंग जरीन, गुड मॉर्निंग सयम, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, लिमिटिंग रिएजेंट देखो, जैसा कि आप सभी समझते हो लिमिटिंग रिएजेंट. रिएजेंट मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं रिएजेंट, हम यूज करते हैं फॉर रिएक्टेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होते हैं जो कि कंज्यूम हो जाते हैं. एक तरह से आप लिमिट में भी ना कहकर आप कहो कि वो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से. और दूसरा जो रिएक्टेंट उनके साथ रिएक्ट कर रहा था वो कितने भी अमाउंट में हो, बट जो खत्म हो चुका है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है. और लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होते ही आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और आप फर्दर प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो. तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन को लिमिटेड कर देता है. समझ में आ रही है चीज स्टूडेंट्स आपको, कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, वो रिएक्टेंट है जो कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के दौरान और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है. कल हमने टी फॉर्मेशन चाय बनाने का एग्जाम्पल लिया था और उससे हमने समझा था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. जैसे कि हमने देखा था कि एक कप बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी 1 कप दूध की और 50 ग्राम शुगर हमें चाहिए थी, तो हमें 1 कप टी बन रहा था. ये हमारी रिएक्शन थी.
बट हमारे हमने देखा कि हम जब किचन में गए चाय बनाने तो दूध तो हमारे पास एक कप ही था, बट शुगर हमें 100 ग्राम मिली। ओके, तो हमने सोचा कि हो सकता है शुगर ज्यादा है तो चाय हम ज्यादा बना लें, प्रोडक्ट ज्यादा बना लें। बट हमें लिमिट नजर आई कहाँ पर, एक कप दूध में, कि क्योंकि हमारे पास जो दूध था वो एक कप ही था, उसने हमारी रिएक्शन को लिमिटेड कर दिया, हम आगे नहीं बढ़ सके। तो इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ओके, अब लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार उसे समझ लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे 3-4 कंसेप्ट क्लियर होंगे। यस, गुड मॉर्निंग हितेश, गुड मॉर्निंग अक्षिता। हमारे 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ ट्रिक्स हैं उनको लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कल भी लिख चुके हो आप कि ये वो रिएक्शन है जो कंज्यूम हो जाता है, और वो रिएक्टेंट है जो कंज्यूम हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिटेड कर देता है। तो अब आगे चलते हैं हम, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें जनरली जो लिमिटिंग एजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा जाता है, रिएक्शन दे दी जाती है आपको, और पूछा जाता है कि आप पहचानो इसमें लिमिटिंग एजेंट है भी या नहीं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसके मॉल्स कम लिखे हुए हैं या जिसका अमाउंट आपको कम दिख रहा है आप कहेंगे कि यही लिमिटिंग एजेंट है, नहीं ऐसा नहीं होता है। लिमिटिंग एजेंट आपको पहचानना कैसे है वो हम ट्रिक से देखेंगे, और उसके अलावा लिमिटिंग एजेंट आपने पहचान लिया कि हाँ इस रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है बताओ कौन है लिमिटिंग एजेंट। ओके, दो क्वेश्चन हो गए, और थर्ड होता है एक काम किया जाता है इन क्वेश्चंस में कि आपको मोल्स दिए जाते हैं रिएजेंट के यानी रिएक्टेंट्स के, और आपसे मोल्स पूछे जाते हैं प्रोडक्ट के कि कितने मोल बन रहे हैं। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें यही सारा काम करना होता है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर उससे हम हमारी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। विजिबल है ना, यहाँ एक रिएक्शन दी हुई है 2A+3B, ये दो रिएजेंट है, दे आर गिविंग अस द प्रोडक्ट 4C+5D। ओके, विजिबल है ये, क्लियर है, एक रिएक्शन दे दी आपको। अब यहां आपको ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं ना, रिएक्टेंट के आगे भी और प्रोडक्ट के आगे भी। अब आपको यहाँ पर स्पेशली मोल्स देंगे, ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्चुअल मोल्स देंगे रिएक्टेंट के कि इन दोनों रिएक्टेंट के कितने कितने मोल्स इन्वॉल्व हुए रिएक्शन में, और प्रोडक्ट के मोल्स आपसे पूछेंगे। क्लियर, तो यहां देखो इफ मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, ए के मोल बता रहे हैं आपको 10 मोल, ए के 10 मोल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, एंड मोल्स ऑफ बी, एंड मोल्स ऑफ बी, बी के 50 मोल इन्वॉल्व, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, रिएक्शन दी और रिएक्शन में आपको बता दिया कि ए के इतने मोल है और बी के इतने मोल इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट के मोल्स आपको नहीं बताए। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसी में, आइडेंटिफाई इफ लिमिटिंग रिएजेंट, इफ लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आप आइडेंटिफाई करो कि लिमिटिंग रिएजेंट है भी या नहीं भी। जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हो, ऐसा नहीं होता है। लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्टेड कुछ एक रिएक्शन में ही होते हैं, तो आपको पहचानना होता है कि लिमिटिंग एजेंट है या नहीं है। तो आपको सिंपल सा काम करना होता है, कि ये ट्रिक है, ट्रिक लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट, किस तरह के क्वेश्चन के लिए जब आपको पहचानना होता है कि लिमिटिंग एजेंट है भी या नहीं है, तो हमारी ट्रिक काम में आती है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। शॉर्ट ट्रिक समझते हैं आप, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, ए और बी रिएजेंट है,
ठीक है, यहाँ ए और बी दिए हुए हैं, ये रिएजेंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट रिएजेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सेकंड रिएजेंट इफ नॉट इक्वल टू द मोल ऑफ ए ऑन मोल ऑफ बी। क्या ट्रिक है, अगर ए और बी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है ए और बी के मोल्स के रेशियो के, तो डेफिनेटली वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। समझ में आई ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है 3, 2/3, नॉट इक्वल टू द मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी। दिया है आपको रिएजेंट का मोल, ए और बी दोनों के मोल दिए हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहां पर हम कह देंगे कि यहाँ इस रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट। ये ट्रिक है पहचानने की, और इसको ऐसे ही एज इट इज इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं हम एग्जाम में। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। विजिबल है यहां तक, स्क्रीन शॉट लो या नोट डाउन करो, ये पहला ट्रिक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब इस ट्रिक पर बेस्ड हमारा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम सॉल्यूशन करेंगे। हैव यू टेकन स्क्रीन शॉट स्टूडेंट, सभी ने ले लिया स्क्रीन शॉट? ओके ओके स्टूडेंट, सो क्लीन करते हैं इसको और फर्स्ट ट्रिक को हमारी कंप्लीट करते हैं। आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है 3, और कितने मोल लिए थे ए के 10 मोल और बी के 50 मोल, इक्वल है क्या ये, इसे कैंसिल भी करते हो 0 से 0 तो 1/5 आता है, 2/3 और 1/5 दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट, सॉरी हम कहेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन द अबव रिएक्शन। जो भी रिएक्शन आपको देंगे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा, इस तरह से शो करोगे आप लिमिटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस को। क्लियर हुआ ये, तो अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी रिएक्शन पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने पहचान लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, तो अब कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है वो आपको पहचानना है। क्लीन करते हैं इसको, इस रिएक्शन पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन आएगा। Identify the actual limiting reagent। क्या करना है, आपने पहचान लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट है, आप एक्चुअल में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ओके सही, हम देखते हैं ए कैसे है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 2 है हमारी लोअर रेशियो ऑफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एनी रिएजेंट शोज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या
क्या देखना है आपको, लोअर रेशियो देखना है रिएजेंट में, क्योंकि दोनों जो रिएजेंट आपको दिए हुए हैं इन रिएजेंट में किसका रेशियो देखना है, मॉल पर्टिकुलर रिएजेंट का मॉल और उसी रिएजेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका रेशियो इन दोनों में से जिसका रेशियो कम होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे कि यहाँ देखो हम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो या मैं ऊपर से क्लिक कर देती हूँ, यहाँ लिखेंगे फॉर रिएजेंट ए, रिएजेंट ए के लिए इसका मॉल कितने दिए हुए हैं रिएजेंट ए के, 10, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 2 था, तो इनके बीच का जो रेशियो है वो 5 मान सकते हैं, ओके, फॉर रिएजेंट बी, रिएजेंट बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे पहले तो मॉल देखेंगे 50, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 3 था, तो ऑलमोस्ट 16 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो लोअर रेशियो कौन सा हुआ हमारा, 5 हुआ ना, इन दोनों के बीच 5 आ रहा है इनका रेशियो अगर देखते हैं हम, और इसका रेशियो 16 आ रहा है, तो लोअर हमारे पास रेशियो कौन सा आया, 5 आया, तो हम कहेंगे ए इज द लिमिटिंग रीजन, A is the limiting reagent. इस तरह से हम second trick भी solve करते हैं। Third trick देखेंगे, आप इसका screenshot ले लो। Have you taken students? तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा है कि आपको मॉल्स दे दिए, आपको रिएजेंट के मॉल्स दिए हैं और आपको प्रोडक्ट के मॉल नहीं दिए, ठीक है। आपको पहचान, उन्होंने आपसे आइडेंटिफाई करवा लिया कि रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट भी है या नहीं है, कौन सा है, वो सब आपने आइडेंटिफाई कर दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमसे दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं, वो हमसे जो प्रोडक्ट बन रहा है उन बने हुए दोनों प्रोडक्ट के मॉल्स आपसे पूछते हैं कि कितने मॉल बन रहे हैं, तो बहुत इजी होता है हमारे लिए पहचानना, आगे भी ये ट्रिक हमारे काम आती है। तो इसी पर बेस्ड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वही रिएक्शन चलेगी हमारी, फाइंड द मॉल्स ऑफ प्रोडक्ट सी, जो सी प्रोडक्ट बनाए उसके मॉल्स फाइंड आउट करवाने हैं। तो इसके लिए आपको जो पहला रिएजेंट है ना, उसका मॉल अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको रिलेट करना होता है। तो पहला रिएजेंट हमारा क्या था, ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर, ट्रिक नंबर 3 है हमारी। पहला रिएजेंट क्या था आपका, ए था, तो मॉल ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ को इक्वल कर देंगे मॉल ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। ये फॉर्मूला काम में आता है और बार बार आगे भी, और अगर लिमिटिंग एजेंट वाली कोई रिएक्शन आपको नहीं दिए तो डिफरेंट रिएक्शन में भी अगर आपको प्रोडक्ट के बने हुए मॉल्स आइडेंटिफाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो बैलेंस रिएक्शन को लेकर। तो मॉल ऑफ ए, ए के मॉल आपको बताया रिएक्शन के स्टार्टिंग में 10 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या था 2, को इक्वल कर देंगे मॉल ऑफ सी, दिए है क्या आपको रिएक्शन में मॉल ऑफ सी, नहीं दिए ना, वही तो आइडेंटिफाई करना है आपको, तो यहां लिखोगे मॉल्स ऑफ सी, ओके। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी रिएक्शन में, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 4 है, सब आपको गिवन है, सिर्फ मॉल ऑफ सी फाइंड आउट करना है, तो मॉल ऑफ सी फाइंड आउट कर लोगे आप, मॉल ऑफ सी कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो,
10 into 4 divided by 2 40 यहाँ आप देखोगे 20 मॉल वहां तक विजिबल है सभी को नजर आ रहा है 20 मॉल बनेंगे ठीक है क्लियर है ना स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन नहीं है यस गुड वेरी गुड अब मुझे आप डी के मॉल फाइंड आउट करके बताना इसे नोट डाउन कर लो हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट अब डी के लिए बात कर लेते हैं प्रोडक्ट डी है हमारे पास तो प्रोडक्ट डी के भी मॉल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप रिलेट करोगे रिएजेंट ए के साथ सो यहां मॉल ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ ए को इक्वल करोगे मॉल ऑफ D and stoichiometric coefficient of D. A के लिए मोल 10, stoichiometric coefficient 2. D के तो आपको मोल फाइंड आउट करने हैं D लिख दो और D के लिए stoichiometric coefficient आपका 5D था स्टार्टिंग में सो so, D के मोल फाइंड आउट करना है 10 into 5, 2, 25, क्लियर स्टूडेंट तो इस तरह से हमसे लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं आइडेंटिफाई करना और कौन पर्टिकुलर रिएजेंट है भी या नहीं भी जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्शन दे दी लिमिटिंग रीजन पूछ दिया तो आप कहोगे कि हाँ जब पूछा है तो डेफिनेटली होगा ओके ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर दे दिया तो आप कहोगे कि नहीं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट ही है इसको नहीं मान के चलते प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कौन सी ट्रिक फॉलो करते हैं फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो कौन सा है तो उसके लिए भी ट्रिक है आपके पास फिर तीसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इनके बने हुए मॉल के कितने मॉल इनके एक्चुअल में बन रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना होते हैं तो इस तरह से हम पर्टिकुलर लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं आई होप आपकी लिमिटिंग रीजन की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुई होगी तो देखो अब तक जो हमारे टॉपिक हैं जो हमने क्लियर कर लिए हैं बेसिक बेसिक हमारा सारा क्लियर हो चुका है लगभग ठीक है अब इसमें आई थिंक ज्यादा कुछ नहीं बचा आपका इस चैप्टर में जैसे कि सबसे जो बेसिक कंसेप्ट थी हमारी केमिस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए वो थी मॉल की कंसेप्ट हमारी लगभग मैं मान सकती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स की क्लियर होगी मॉल एक्चुअल में क्या है क्या कहाँ यूज किया जाता है वो मॉल वाली कंसेप्ट आपकी क्लियर है कैसे आप कैलकुलेट करते हो मॉल्स के लिए फॉर्मूला यस यस दिवा हमेशा कॉफिशियंट ए के मॉल और कॉफिशियंट ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि जो फर्स्ट रिएजेंट है ना उससे रिलेट कर लिए फर्स्ट रिएजेंट आपका यहाँ ए ही था तो उससे रिलेट करेंगे रिएक्शन में जो भी पहला रिएजेंट आपका दिया हुआ हो उससे आपको रिलेट कर लेना है तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम बात कर रहे थे मॉल्स की कि मॉल्स के लिए जो फॉर्मूला है एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा ट्रेन कर दूं मैं इसको सो लिमिटिंग रिएजेंट से हमें इतना ही पूछा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट हम समझ चुके हैं कि क्या है जरूरी नहीं कि जिसका अमाउंट कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट कर देता है बस प्रोडक्ट नहीं बनने देता आगे क्योंकि वो कंज्यूम हो चुका है अब ज्यादा था या कम था डजंट मैटर वो कंज्यूम हो चुका है रिएक्शन के रेशियो के हिसाब से दो जो रिएजेंट थे उनके रेशियो के हिसाब से वो कंज्यूम हो चुका है ऐसा नहीं कि जिसका अमाउंट कम हो ठीक है तो हम मॉल्स की बात कर रहे थे मॉल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर आपको मॉल फाइंड आउट करना है ठीक है और आपको दिया हुआ है मास दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर जो जिसके भी मॉल फाइंड आउट करवा रहा है कि रिएक्शन में ये रिएजेंट है या प्रोडक्ट है कि इतने इतना मास हमने लिया है बताओ कितने मॉल लिए समझ में आ रहा है ना मास से आपको मॉल पूछना होता है तो आपको करना क्या होता है कि वो जो मास है ना उसको ऊपर रखते हो और उसी पर्टिकुलर जिस भी कंपाउंड जिस रिएजेंट का मास दिया है उसका मॉलर मास निकालते हो मॉलर मास निकालना आता है सभी को
उसका एक मॉल लिख लो, उसका एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका उसमें जितने भी एटम्स है सबके मासेस का समेशन कर लो, वो उसका मोलर मास हो जाएगा। ओके, तो मास अपॉन मोलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको याद भी रखना है कि इस तरह से हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें मास गिवन है किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का, किसी एटम का, तो उसके मास को डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से, तो आपके पास उसके मोल आ जाएंगे कि आपने इतने मोल लिए। एक फॉर्मूला तो ये होता है मोल्स का। दूसरा फॉर्मूला है मोल फाइंड आउट करवाने का, अगर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि मैंने आपको मास नहीं दिया, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए कि मैंने कैल्शियम के इतने एटम्स लिए हैं या इतने पार्टिकल्स लिए हैं मैंने कैल्शियम के या वाटर के मैंने इतने मॉलिक्यूल लिए हैं, नंबर दे दिया उसका, ठीक है। फिर आपको मोल फाइंड आउट करवाना है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी दिए हैं उन्होंने अपनी तरफ से नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसको डिवाइड करोगे आप अवोगाड्रो नंबर। क्या होता है अवोगाड्रो नंबर, हु विल टेल मी, आई वुड यू शो अवोगाड्रो नंबर 2 पावर 23। यस, अवोगाड्रो नंबर 6.3। यस, अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10^23। ये अवोगाड्रो नंबर होता है और ये किसे शो करता है, एक मोल में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, कि अगर आपने किसी का एक मोल लिया है, फिर चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, उस एक मोल में आपके पास इतने पार्टिकल्स होंगे, उसके इतने एटम्स, ये इतने मॉलिक्यूल, ये इतने आयन्स होंगे। यस यस रिमा, यस सयम, यस अक्षिता, ऑल ऑफ यू आर राइटिंग वेल, गुड। तो इस तरह से हम मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे जो बेसिक जो हमारा बेसिक था वो मोल ही थे। इन मोल्स को लेकर ही आप आगे बढ़ोगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप वहां पर करोगे। मोल वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखो लिमिटिंग एजेंट हमारे लिए समझना जरूरी था, वो हमने समझा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट क्या होते हैं, आपकी कोई भी बैलेंस रिएक्शन है उस बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उनके आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है और जनरली नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है, इसको मोल्स भी हम मान लेते हैं। ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जो एक नया आपका काफी नया कंसेप्ट है कंसेंट्रेशन टर्म्स का, वो आपका बच रहा है। वो कंसेंट्रेशन टर्म्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मोल की कंसेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। मोल आपको आगे तक हेल्प देंगे जब तक आप केमिस्ट्री से जुड़े हुए हो, ठीक उसी तरह आप अगर बात करते हो कंसेंट्रेशन टर्म्स की तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा और हेल्पफुल कंसेप्ट है। तो एक बार कंसेंट्रेशन टर्म्स हम समझ लेते हैं। मोल्स के फाइंड आउट करने के लिए मैंने मोल ऑफ फर्स्ट कमिंग द रिएक्शन, यस भूमि व्हाट यू आर आस्किंग, लिमिटिंग एजेंट है मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए मोल्स ऑफ फर्स्ट कमिंग रिएक्शन लेंगे आपको। यस, प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करने के लिए आपको जो पहला रिएजेंट है ना उसके मोल से रिलेट करना है। मैंने जैसे कि यहाँ पर ए लिया था, फर्स्ट रिएजेंट से आपको रिलेट करना। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कंसेंट्रेशन टर्म की, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं हम। क्या समझते हो आप कंसेंट्रेशन से, हु विल टेल मी, कंसेंट्रेशन टर्म कुछ टर्म्स है, कंसेंट्रेशन टर्म्स है। तो सबसे पहले टर्म्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि कंसेंट्रेशन क्या होती है। सॉल्यूशन विद वाटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यस यस सुमैया यू आर राइट, यस रिधिमा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो आप रिएक्शन की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मिक्सिंग करनी होती है, कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए। जैसे आपने ड्राई रिएजेंट ले लिए, वो ड्राई रिएजेंट आपने रख दिए कि रिएक्शन करेंगे, वो तब तक रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करोगे। जब तक आप उन्हें सॉल्युबलाइज नहीं करोगे
एक मीडियम प्रोवाइड नहीं कराओगे वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो उन्हें सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के लिए जब भी आप डिजोल्व करते हो तो आपके सामने दो कंडीशंस होती है, एक होता है आपके पास सॉल्यूट और दूसरा होता है आपके पास सॉल्वेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। और फिर सॉल्यूशन वाइज आप रिएक्शन करते हो, कभी भी आपके ड्राई रिएजेंट रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, रिएजेंट को आपको, आप रिएजेंट आपका सॉल्यूट मान सकते हो, उसे आपको मीडियम प्रोवाइड कराना होता है सॉल्वेंट की फॉर्म में, फिर वो सॉल्युबलाइज होकर सॉल्यूशन देता है और अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ये चीज क्लियर होती है। तो अब यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तो आप ज्यादा अमाउंट में ले सकते हो, कितने भी अमाउंट में आपने सॉल्वेंट ले लिया, आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो मैटर करता है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है। सॉल्वेंट आप अपने हिसाब से कितना भी ले लो, जैसे कि आपने नाम सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। यस सेम, यू आर राइट, सही लिख रहे हो आप, कंसेंट्रेशन टर्म्स के नाम लिख रहे हो कि मोलरिटी मोलरिटी, वेरी गुड। बट पहले हम समझ लेते हैं कि कंसेंट्रेशन क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, अब हमें देखना यह है कि हमें काम किससे लेना है। ये सॉल्वेंट तो हमारा मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, मेन जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा सॉल्यूट है, कि हमारा जो सॉल्यूट है इसके कितने पार्टिकल्स, कितना अमाउंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सॉल्यूट का अमाउंट, समझ में आ रहा है। और इसी सॉल्यूट के अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं, कंसेंट्रेशन नाम देते हैं। सॉल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस कुरा, यू आर ऑल्सो राइट, आपने बहुत सही डेफिनेशन लिखी है कंसेंट्रेशन की, कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसे ही आप क्या नाम देते हो, उस सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन नाम देते हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कहलाएगी, अमाउंट तो सॉल्यूट का है बट कंसेंट्रेशन किसकी कहला रही है, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कहला रही है, यानी इस सॉल्यूशन में इतना अमाउंट डिसॉल्व है सॉल्यूट का। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कंसेंट्रेशन को, ठीक है। अब अमाउंट आपको बताना है, ठीक है, अमाउंट बताना है कि मेरे पास कितना पर्टिकुलर अमाउंट है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। जिस तरह से देखो टर्म्स आप कह सकते हो कि आपको किसी भी यूनिट्स की तरह भी ले सकते हो आप, जैसे कि मुझे बताना है कि मुझे कितना मैंने सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया है, मैंने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैंने 1 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। सॉल्वेंट का अमाउंट भी तो मैटर करता है ना, सॉल्वेंट भी तो मैटर करता है, डिसॉल्व किसमें किया है आपने, सॉल्वेंट में किया है, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्यूट का अमाउंट बताना होता है। तो आप उसको कंसेंट्रेशन कहते हो कि मैंने इतने लीटर सॉल्वेंट में इतने ग्राम सॉल्यूट मैंने डिसॉल्व किया है। तो वो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं किस किस तरह से, अगर आपके पास सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो कैसे आप उस पर्टिकुलर एक नई टर्म यूज करोगे कंसेंट्रेशन को शो करने के लिए। अगर आपके पास सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो एक दूसरी टर्म यूज करोगे, मान लो आपको जो सॉल्यूट दिया है वो ग्राम में ना बताकर मोल में बता दिया कि मैंने इतने मोल डिसॉल्व किए हैं, तो एक नई टर्म यूज होती है। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर 6 और 7 कंसेंट्रेशन टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 12th क्लास में भी काफी हेल्प देने वाली है वो कंसेंट्रेशन टर्म्स हमारी। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो कंसेंट्रेशन टर्म का ही होगा, बट होती क्या है कंसेंट्रेशन वो हमने यहाँ समझ ली है। टर्म्स जो है वो कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का वे है, कंसेंट्रेशन को शो करने का एक तरीका है, उन्हें हम कंसेंट्रेशन टर्म कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मोलरिटी मोलरिटी नॉर्मलिटी, तो ये सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम इनके लेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं,
और उसी सब पूरे डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, अब सैटरडे वाली क्लास आपकी आज हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास आपकी अब ट्यूजडे को होगी, ठीक है, वही टाइम पर। अब आपका वही जो वीकली टाइम टेबल है वही चलेगा, फ्राइडे को कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ आज हुई है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो अब एक बार आप लोग मुझे जो जो काम कर रहे हैं अपना वर्क दिखा दो, जिसने भी नोट डाउन किया है। अपूर्वा, फर्स्ट टर्न इज योर्स, फिर हम क्लास फिनिश करेंगे। यस अपूर्वा, इट्स योर टर्न। देखो होमवर्क का नाम लेते ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने लगता है, बच्चे क्लास स्विच करने लगते हैं। यस वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड, वेरी गुड। महाजेब, नेक्स्ट महाजेब। ओके गुड। यस भूमि, पूछो क्या डाउट है। यस भूमि, अंजलि, अंजलि गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। कल आपने क्वेश्चन कराया था ना, 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, फाइंड द मास ऑफ CO2 फॉर्म। यस यस यस। तो मैम हमने 16 ग्राम ऑफ CH4 से अपन ने 44 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड आउट करा था। यस यस। तो ये अपन से अगर H2O का पूछता, हाँ अच्छा, अगर ये अपन से H2O का पूछेगा तब भी अपन मीथेन से ही निकालेंगे क्या उसका मास? यस यस, अगर मीथेन नाम दे दिया ना इसने कि मीथेन बर्न हो रहा है, ठीक है, मीथेन बर्न हो रहा है और बने हुए प्रोडक्ट का आपको अमाउंट बताना होता है, तो आपको रिलेट करना होता है जो रिएक्टेंट दिया है ना उसी के मोल से रिलेट करना होता है। अगर ऑक्सीजन कहते कि एक मोल मीथेन को बर्न करने के लिए हमें इतने मोल ऑक्सीजन चाहिए थी, उससे हमें इतना CO2 मिला, तो बताओ इतने ग्राम CO2 के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा है तो ऑक्सीजन से रिलेट करेंगे, ठीक है ना भूमि? ओके, सो आज की क्लास का टाइम खत्म होता है, ट्यूसडे को मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।